गया शहर के चांदचोरा मोहल्ले में स्थित जेपी मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर राजेश रंजन की ये सेवा की भावना आखिर कहावत को सच में बदलती देखी गई। पृथ्वी पर कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वास्तव में डॉक्टर भगवान का ही रूप होते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है। बता दें कि इस कोरोना कोविड-19 के स्टेज 2 की महामारी में अच्छे अच्छे महान पुरुषों की कोरोना से जान चली गई, जिसके कारण अच्छे डॉक्टर भी इलाज करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मृत्यु का आंकड़ा लगातार भारत में बढ़ता गया और संक्रमण का एक भयावह रूप ले लिया, जिसकी वजह से ये लोगों में दहशत फैल गई। परिवार के सदस्य भी स्थिति में मरीज को छूने से कतराते रहे, जिन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण मौत पर मौत होती गई। डॉक्टर राकेश रंजन बताते हैं कि कोरोना संक्रमित होने पर डरे नहीं, डटकर सामना करें, डॉक्टरों से सलाह लें और खुशी खुशी जीवन बिताएं। अगर आपको लगता है कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं, मेरे इलाज नहीं हो पाएगी, तो आप डरे नहीं, आप हमारे जेपी मेमोरियल अस्पताल में बेझिझक आए और मैं आपका इलाज करूंगा और आपको बिल्कुल ठीक करूंगा। इस तरह दर्जनों मरीज को ठीक किया और लोग भर्ती भी हैं जो सेटिस्फाइड होकर इलाज करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने डॉक्टर साथियों से अपील किया है कि आप इस महामारी में आगे आएं और देश की जनता की सेवा करें। इससे बेहतर सेवा का मौका और क्या होगा। जब इस विकट स्थिति में देश के काम नहीं आए तो फिर हमारी डॉक्टरी बेकार है। उन्होंने जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्य कर रहे डॉक्टरों को समाज का असली सेवादार बताया, जो इस प्रकार है। मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर चितरंजन शर्मा MBBS MD, डॉक्टर RK वर्मा MBBS MD, डॉक्टर ऋषभ सोनी MBBS, डॉक्टर बिरबल कुमार BAMS का आभार व्यक्त करते हुए काफी सराहना की बात कही कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों का मिलकर इलाज कर रहे हैं और जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल हर क्षेत्र में आगे चल रहा है और भविष्य में भी आगे रहेगा। अभी पूरे भारत या बल्कि नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का स्थिति चल रही है, उस स्थिति में आपके तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है? प्रॉब्लम तो है, अभी जैसा सिचुएशन अभी हो रहा है पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडेंट्स, परिवार के साथ और डॉक्टर और हॉस्पिटल के साथ, जो स्ट्रगल और परेशानी हो रही है वो बहुत ज़्यादा दुखदायी। 24 आवर्स में से हम लोग हमारा 320 आवर वर्क किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर। मेडिसिन, ऑक्सीजन, बेड कहीं भी खाली नहीं है। ऐसा में अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मेडिसिन लेते रहें और लापरवाही अपने ज़िंदगी के साथ ना करें, ये रिक्वेस्ट रहेगा सारे। कोरोना पेशेंट को प्राथमिकता उपचार क्या, सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या रहेगी? प्राथमिक उपचार ये है, अगर हल्का फुल्का भी उनके बॉडी में वैसा फील हो, हम कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसे फीवर, कफ और ये सिम्टम्स जो आते हैं उसकी वजह से पेशेंट कोविड पॉजिटिव फील करते हैं कि हम वैसे हो रहे हैं, तो वैसे डायरेक्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे राय मशवरा लें और कुछ ब्लड टेस्ट सैंपल ये सब करवाएं। बहुत सारे सेटिस्फाई हो सके कोविड है पॉजिटिव है या फिर नॉर्मल, अगर नॉर्मल है वो जनरल मेडिसिन पे 4-5 दिन के अंदर वो ठीक हो जाए, और अगर हॉस्पिटलाइज होने का है इसके लिए उनको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतना होगा। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जो कोरोना को लेकर के सहमे हुए, डरे हुए हैं, वो जांच नहीं कराना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में उन लोगों नहीं, ये गलत है, वो टेस्ट करवाएं, सारा जगह इसका टेस्ट हो रहा है और करवा लेना अच्छी बात है, इसको लापरवाही कहेंगे। अगर आप डर से समाज के वजह से अगर ये जांच नहीं करवाएंगे, हो सकता है ऐसा कंडीशन धीरे धीरे आ जाएगा कि वो डेथ में भी रूप बदल सकता है। कोरोना पेशेंट का क्या लक्षण आ रही है? कोविड पेशेंट का लक्षण ये है कि बस सांस लेने में गला में दर्द, सांस फूलना, फीवर कंटिन्यू का और बस वही रेस्टलेस कंडीशन, बेचैनी। ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं हम लोग के पास, उनका यही कंप्लेन है कि सर सांस लेने में बहुत कठिनाई, जो नॉर्मल रेशियो ऑक्सीजन का 95-100 होना चाहिए, पेशेंट का जो भी एडमिट हो रहे हैं 70, 50, 65 ये रेशियो लेके आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा ऑक्सीजन का
प्रॉब्लम हो रहा है देने में भी, और पेशेंट को रिकवरी लेने में भी बहुत समय लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, कहीं से भी जुगाड़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन मेडिसिन हम लोग और तक गया से मंगवा के पेशेंट को मुहैया कर रहे हैं। आप अपने JPM हॉस्पिटल की तरफ से जनता लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही रहेगा कि गया वासियों सारे आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ये बीमारी जितना फास्ट रिकवरी लेने में समय ले रहा है उससे ज़्यादा ये डेथ की ओर मुड़ रहा है। यहाँ पे आज आपके पिताजी आए थे 7 दिन पहले पूर्व, क्या है फीलिंग थी उस वक्त और अभी क्या स्थिति है? बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं, जब हम आए थे तो हमें तो भरोसा ही था कि हम अपने पापा को बचा पाएंगे, लेकिन JP में इतना सपोर्ट मिला, परमानेंट स्टाफ मेरे पापा के साथ है, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो घर जाने के लिए भी नहीं सोच रहा, मेरे को तो लग रहा है यहीं रह जाना चाहिए, बट ये लोग बोल रहे हैं कि ले जाइए, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे। JP इज बेस्ट। सुना एक बार नाम विकास।